सारी जी के साथ दो गाने मैंने किए हैं, बाबूआन और महाकाल की दीवानी, और उसके अलावा वो जाने जाते हैं, उनके साथ काम करके भी वैसे ही लगा, काफी एनर्जेटिक हैं, काफी मेहनती है और बहुत अच्छा काम। आप मौके के लिए जो लोग रोते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो मेहनत नहीं कर रहे होते हैं या डिजर्व नहीं कर रहे। हाँ, लकी तो हूँ और नो डाउट मैं भोजपुरी में भी ऑन डिमांड रही, कभी इंटर मुझे बुलाया गया यहाँ पे और उस तरीके से मुझे सम्मान भी मिला और मैं बहुत रत्ना जी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप, क्या हो रहा है आजकल? मैं बहुत अच्छी हूँ, आजकल अभी फिल्मों की शूटिंग और कुछ फिल्में लाइन में, कौन सी फिल्म आपकी आ चुकी है मार्केट में, शूटिंग कर चुकी है आप? अभी मेरी दो फिल्में कंप्लीट हो गई हैं, कटान और एक कलाकंद, और अभी बाकी फिल्में लाइनअप है जिनकी शूटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। फिल्म आपकी दिनेश जी के साथ कौन सी आई है? दिनेश जी के साथ कलाकंद फिल्म आई है, उसमें स्टोरी लव ट्रायंगल है। तो क्या भोजपुरी सिनेमा जुड़ के कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बेसिकली मैं बनारस गाजीपुर की रहने वाली हूँ, तो भोजपुरी मेरी पहली भाषा है। तो और शुरुआत मैंने हिंदी से किया, मैंने सीरियल से शुरुआत की, करियर की। उससे पहले मैं मिस काशी, मिस यूपी और मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस की विनर रह चुकी हूँ। उसके बाद मैंने सीरियल किया, फिर उसके बाद मैं भोजपुरी में आई, तो फिर अपनी भाषा से जुड़कर बेशक अच्छा ही लग रहा है। भोजपुरी में आपने क्या क्या किया है? भोजपुरी में खेसारी जी के साथ दो गाने मैंने किए हैं, बाबूआन और महाकाल की दीवानी, और उसके अलावा अभी दिनेश जी के साथ एक फिल्म किया है कलाकंद, और एक हिंदी और अवधी फिल्म मैंने की है कटान। खेसारी जी के साथ आपने दो गाने किए, कैसा अनुभव रहा काम का? ये बहुत अच्छा रहा, जिस तरीके के स्टार वो जाने जाते हैं उनके साथ काम करके भी वैसा ही लगा, काफी एनर्जेटिक है, काफी मेहनती और बहुत अच्छा काम करती है, और मेरी पहली शुरुआत ही उन्हीं के साथ थी तो स्टार्टिंग मेरे लिए बहुत अच्छा। आप अपने आप को लकी मानती हैं? बहुत सारे हीरोइनें हैं जिनको मौका नहीं मिलता है इंडस्ट्री में, इतने सालों के खेसारी जी के साथ आपको इतना कम समय में मौका मिल गया। डेफिनेटली, और मुझे लगता है कि आप मौके के लिए जो लोग रोते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो मेहनत नहीं कर रहे होते हैं या डिजर्व नहीं कर रहे होते हैं। आप डिजर्व करेंगे और मेहनत करेंगे कहीं के लिए भी तो आप ऑन डिमांड रहेंगे, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी लोग हैं वो मेहनत करें, उस लायक बने, तो डेफिनेटली काम की प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर। आप अपने आप को लकी मानती है कि इंडस्ट्री में घुसते ही आप मिलियन स्टार बन गई? हाँ, लकी तो हूँ और नो डाउट मैं भोजपुरी में भी ऑन डिमांड रही, कभी इंटर मुझे बुलाया गया यहाँ पे और उस तरीके से मुझे सम्मान भी मिला, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ लोगों की कि मीडिया ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, पब्लिक ने मुझे बहुत ज्यादा पसंद किया। मेरा पहला गाना ही बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया था, मैं अनएक्सपेक्टेड था कि जरूरत से ज्यादा, मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था जितना ज्यादा मुझे फेम मिला उस गाने से, और जितना ज्यादा वो वायरल हुआ और ट्रेंड किया, तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी है। आपने दिनेश जी के साथ काम किया, आपने खेसारी जी के साथ किया, दोनों में बेस्ट कौन है? किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है क्योंकि वो उनका काम करने का तरीका अलग है, वो अलग है, सबकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो एनर्जेटिक लेवल पे हैं, उनका पेशेंस लेवल अलग है, तो दोनों लोगों के साथ काम करके डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और चुनने वाली बात नहीं आ सकती क्योंकि एक कलाकार के लिए हर कलाकार एक ही जैसा होता है, काम इम्पोर्टेंट होती है और एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अलग अलग होता है सबके साथ क्योंकि सबका माहौल अलग होता है, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, तो ओवरऑल अभी तक तो अच्छा रहा दोनों। थैंक यू वेरी मच।